गरीब को नवाले के पड़ गए लाले, दाल चने सब्जियां आसमान से बातें करने लगी। दालें चने दो हफ्ते में 150 रुपए फी किलो तक महंगे, काले चने 250 से 400 रुपए किलो तक जा पहुंचे, दाल चना 230 से 380 रुपए किलो में बिकने लगी। चक्की मालिकान बहती गंगा में हाथ धोने लगे, गंदम महंगी होने का बहाना बनाकर आटे की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया। चक्की का आटा सेंचुरी मुकम्मल कर गया, आड़तियों और जखीरांदोजों की चांदी, 2850 रुपए वाली गंदम 3250 रुपए फी मन तक बढ़ा दी। चक्की मालिकान आटा मजीद महंगा होने का खदशा। मार्केट में गंदम की प्राइसेस बढ़ रही हैं, 3200 से लेकर 3250 रुपए गंदम का रेट है, इसलिए मजबूरन हमें आटे की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। हमने 90 से 100 रुपए किलो फी की आटा कर दिया है, अगर मसलसल कीमतें बढ़ते रहीं तो आटा और ज्यादा महंगा हो जाएगा। महंगाई से तंग शहरियों पर एक और बोझ, मोटरबाइक के बाद स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफा, टायर टैंकी साइलेंसर हेडलाइट से लेकर ब्रेक लेदर तक हर चीज 50% महंगी। बढ़ती कीमतों ने दुकानदारों की भी चीखें निकलवा दी, बोले महंगे स्पेयर पार्ट्स ने हमारा कारोबार ठप कर दिया। महंगाई के तूफान में मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी लेने आ गए गरीब आवाम का इम्तिहान, बेजा जुर्माने और चालानों से तंग मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स, फैसलाबाद की पहिया जाम हड़ताल, ट्रांसपोर्टर्स का गैर मुइना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान, हड़ताली कैंप भी लगा लिए। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं एक्सल लोड के बहाने पर मोटरवे पुलिस भारी जुर्माने करती है, पेट्रोलिंग पुलिस के साथ ट्रैफिक वार्डन अलग से चालान कर देते हैं। सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से रूट्स पर परमिट वक्त पर जारी न करने का भी शिकवा। एक्सल लोड में कमी और भारी जुर्मानों का तनाजा, चिन्योट में भी मिनी गुड्स का पहिया जैम, ट्रांसपोर्टर्स फट पड़े, कहा इतनी कमाई नहीं जितने जुर्माने हो जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस हमारे नाहक चालान करती है। ट्रांसपोर्टर की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हरी गाड़ी जब बैठ जाती हैं तो ये पुलिस वाले जो हैं, जितने भी वार्डन वाले हैं, मोटरवे वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चालान करते हैं, बहुत ज़्यादा चालान कर रहे हैं, इस वजह से हम ये हड़ताल कर रहे हैं कि हमारे चालान जो है ना ये कम किए जाएं। ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुइना हड़ताल से अजरात सब्जियों की सप्लाई मुतासर होने का खदशा, टोबा टैक्सिंग के ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा तस्लीम न होने पर कल से सड़कें बंद करने का ऐलान। एक्सल लोड में कमी और जालिमाना जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की दुहाइयां, बोले गाड़ी मोटरवे पर ले जानी है तो 10 से 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करना पड़ता है। थोड़ा सा ज़्यादा होना तो ये 10,500 रुपए का चलान कर देते हैं। हमारे टोबा टैक्सी ना लोड करके गाड़ी फैक्ट्री से बाहर निकालते हैं, हमारा वेट पूरा होता है, जब हम मोटरवे पे इन करते हैं वो कहते हैं हमें पैसे दो, 200-300 रुपए लेते हैं, वो गाड़ी को ना मोटरवे चढ़ा देते हैं, पहले कहते हैं कि हमने गाड़ी बंद करनी है आपकी। ढंग के मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज का ऐलान कर दिया, शहर के बेशतर ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज में शामिल, कहते हैं बेजा भारी चालान से जान छुड़ाई जाए। सीबीए यूनियन का 100% पीएचए अलाउंस का मुतालबा, महंगाई के इस दौर में कम तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो गया, सदर सीबीए यूनियन की पीएचए अलाउंस न मिलने पर आइंदा हफ्ता एहतजाज की धमकी। किसान कार्ड चला या नहीं, माजरा क्या, हुकूमत ने समझाया ही नहीं, जंग और शोरकुट में कार्ड एक्टिव हो गए, फैसलाबाद में ताहाल किसान पैसे आने के मुंतजर, किसान कार्ड गैर फाल होने से बीज और अद्वियात खरीदना काश्तकारों के लिए मुमकिन ना रहा, फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत भी किसानों की हिमायत में आ गया, शाहिद मुमताज बाजवा कहते हैं अगर ताखीर हुई तो गंदम की बवाई मुतासर होगी जिससे पैदावार में कमी का खदशा है। किसानों के लिए परेशानी यह है कि अभी उनको खाद और बीज के लिए पैसे चाहिए, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो बीज भी महंगा हो जाएगा और दवाइयां भी महंगी हो जाएंगी। किसानों के लिए एक और स्कीम का आगाज, खेतों को सैराब करने का जदीद निजाम, ड्रॉप इरीगेशन सिस्टम के लिए हुकूमत का 75% सब्सिडी देने का प्रोग्राम, किसानों को 25% शेयर के साथ जरिए आलात दिए जाएंगे, किसानों को ट्यूबवेल पर सोलर सिस्टम भी मिलेगा।
जड़ावाला इंतजामिया शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने में नाकाम। नहर गोगीरा ब्रांच पर नसब ट्यूबवेल का कीमती सामान चोरी, चोर खिड़कियां, दरवाजे और मोटरें भी ले उड़े। बिलों की किस्तें क्या बंद हुई, महंगाई में पिछले शहरियों की बत्ती भी गुल होने लगी। अकसात ना होने पर रोजाना हजारों फैसको सारिफिन के कनेक्शन कटने लगे। डी कनेक्शन रिपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा, फैसको ने PITC को आगाह कर दिया। वजीर आला का दहलीज पर सेहत सहूलियात फ्राहमी का ख्वाब। निशाताबाद के अलहमद अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ना एक्सरे मशीन, जनरल सर्जरी तक की सहूलत मौजूद नहीं। रात में इमरजेंसी में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं होता। 50 बेड्स के अस्पताल में किसी क्लिनिक जैसी सहूलियात मयसर नहीं। किन्नौर में अफसरान की खुली कचहरियां बेसूद होने लगी। जगह जगह ट्रैफिक जाम होने से शहरी DPO की खुली कचहरी में ना पहुंच सके। बोले, हर रोज यही सूरत हाल होती है। जिले अफसरान मसले के हल के लिए ट्रैफिक अहलकारों की तायनाती करें। फैसलाबाद डिवीजन में फजाई आलूदगी बीमारियों का सबब बनने लगी। फैक्ट्रीज की चिमनियों से निकलता स्याह धुआं, भट्टे और धुआं छोड़ती गाड़ियों ने फजाई माहौल को खतरनाक हद तक मुजरे सेहत बना दिया। चिन्नौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। शाम के वक्त सनती शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 128 तक रिकॉर्ड। टोबा टेक्सिंग में 184 और जंग शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी से जंग के बाद ही TB के मर्ज में मुबतला होने लगे। TB क्लिनिक पर रोजाना 90 से जायद मरीज रिपोर्ट होने लगे। डॉक्टर इर्तजा शाह कहते हैं, TB के मरीज मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। माहरीन ने TB की बड़ी वजह फजा में जहर घुलती फैक्ट्रीज और धुआं छोड़ती गाड़ियों को करार दिया। टोबा टेक्सिंग में शुगर के मरीजों का पारा नीचे ना आया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शुगर का टेस्ट 6 माह से बंद। शहरी महंगे टेस्ट प्राइवेट लेबोरेटरी से कराने पर मजबूर। सरकारी लैब हुकाम ने किट्स की किल्लत का रोना रो दिया। डॉक्टर इकरार अहमद खान की मुद्दत तायनाती मुकम्मल हो गई। डॉक्टर मोहम्मद सरवर ने वाइस चांसलर जरीज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का इजाफी चार्ज संभाल लिया। डीन्स, डायरेक्टर, फैकल्टी और स्टाफ मेंबरान की मुबारकबाद, गुलदस्ते पेश किए। चिन्नौर के सरकारी दफातर में स्टाफ और अफसरान का बहरान। एडिशनल डेप्टी कमिश्नर फाइनेंस ACHR समेत दर्जनों सीटें खाली। बल्दियाती निजाम मौजूद नहीं, बल्दियाती अफसरान भी तायनात नहीं। साइलिन के काम मुसलसल इल्तवा का शिकार होने लगे। फैसलाबाद में गैस के कम प्रेशर की शिकायत। शहरियों के मुतालबे पर रीजनल विफाकी मोहतसब ने नोटिस ले लिया। सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम को सुबह 10 बजे रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जंग में नए तैनात होने वाले डेप्टी कमिश्नर अली अकबर ने कलमदान संभाल लिया। मोहम्मद उमैर के तबादले के बाद अली अकबर को डेप्टी कमिश्नर तैनात किया गया। मोहम्मद उमैर गुज़श्ता शब DC के ओहदे से सुबुकदोश हुए। इंडस्ट्रियल असिस्टेंट सर्कल रजिस्ट्रार महकमा कॉपरेटिव हाउसिंग हुकाम की अदम तवज्जो। फैसलाबाद डिवीजन की 249 इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव हाउसिंग गैर फाल। इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों की रिकवरीज भी ना की जा सके। FDA ने फराइज की तकमील को तोहीन समझ लिया। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप पर हिफाजती दीवार ना बनाई। दीवार के नाम पर 1 फुट ऊंचे रॉड नस्ब करके जान छुड़ा ली। इंजीनियरिंग ब्रांच की रिवायती नाहली, 3 इंसानी जिंदगियां निकल गई। फैसलाबाद को तजावजात माफिया से आजाद कराना इंतजामिया के लिए चैलेंज। टिबा रोड का ग्रीन बेल्ट फर्नीचर मार्केट में तब्दील। ग्रीन बेल्ट पर सब्जे की बजाय दरवाजे, खिड़कियां, खस्ता हाल फर्नीचर मौजूद। फैसलाबाद डिवीजन भर में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के दूसरे सालाना और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। मॉर्निंग शिफ्ट में पाकिस्तान स्टडीज, इवनिंग शिफ्ट में एजुकेशन का पेपर लिया गया। इम्तिहानी मराकज के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लड़कियों को महफूज तालीमी माहौल फराहमी। महकमा हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्टल सरबराहान को मरासला जारी कर दिया। इदारों में खातिन अमले की तकर्री,
सीसीटीवी कैमरों की तंसीब का हुक्म, कैमरा रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक महफूज रखने की हिदायत। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की 19 अक्टूबर को होने वाली सिंडिकेट मीटिंग पर तहफ़ुज़ात। ज़रई यूनिवर्सिटी की आखिरी सिंडिकेट के मीटिंग मिनट्स पर एचयूसी का फीडबैक लिए बगैर मीटिंग कंडक्ट करने का एतराज। और कभी कड़ाही बिरयानी निहारी पकाए तो कभी चाइनीज खाने और रशियन सलाद भी बनाए। दस्तरखान को मजे मजे के खानों से सजाने वाले शेफ का आज आलमी दिन। फैसलाबाद कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में शेफ डे तकरीब, तलबा में कुकिंग मुकाबले।